बात कर रहे हैं रीटा कत्याल जी से, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के ब्लॉक उप प्रधान हूँ मैं। ब्लॉक उप प्रधान है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट उप प्रधान हूँ जी। आप अभी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कन्हैया साहिब चौक पे, क्या मांगे हैं आपकी इसके लिए? हमारी सर मांगे बहुत हैं, हमारी इतनी मांगे, इतनी एक भी मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हुई। हमें 35 साल हो गए पब्लिक की सेवा करते हुए। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है महिला एवं बाल विकास। महिला के साथ शोषण किया जा रहा है और हमारे जो बाल हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ सबके साथ शोषण किया जा रहा है और सरकार हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। 7500 रुपया सरकार ने हमारी पे दी हुई है, वो भी 4045 एक बार आते हैं, 3000 पाँच महीने हो गए, 3000 का जो केंद्र सरकार दे रही है उसको तो हमें कुछ पता ही नहीं। और जो खट्टर सरकार हरियाणा सरकार हमारी दे रही है 4500 रुपये, वो भी हमारे कुछ पता ही नहीं कब खाते में आ रहे हैं, कब आए हैं। कुछ किसी से बात करते हैं, किसी अधिकारी से, वो कहते हैं बजट नहीं है, पता नहीं ना जाने आंगनवाड़ी वर्कर के लिए बजट कहाँ चला जाता है। नहीं, आप यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या रही हैं? हमारी मांगे सबसे पहले एक ही मांग है कि हमारे सर्व कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अच्छा, आप लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित? हाँ जी, जब कहीं बुलाना होता है तो हमें कर्मचारी कह के दबाव डाल के उनसे, जैसे रैली होए कहीं खट्टर जी की होए या किसी भी मंत्री की होए, बुला लिया जाता है। गैदरिंग के लिए हमें बिना ड्रेस के बुलाया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर नहीं आई। जब हम सरकारी कामों के लिए भी बुलाया जाता है, सोशल वर्कर है तो आपको सरकारी कामों के लिए बिना ड्रेस के बुलाया जाता है? हाँ जी। तो इसके लिए आपने पहले कोई लिखी शिकायत दी है किसी विभाग? बहुत बार दी है सर। हमारी सुनता कौन है? और सरकार धमका धमका के, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है लेडीज डिपार्टमेंट है, हमारी सिर्फ देखो कि सारी वर्कर हैं और जो लेडीज ऐसी है जो जरा सा कोई धमका मारती है डर जाती है। लेकिन अब हमारा 3 दिन से ये फैसला है, हम किसी से अब डरने वाले नहीं। अब बहुत हो चुका, सरकार की टोकरियां भर चुकी हैं जो हमारी मांगे दे दे के हम अपने मांग पत्र देते हैं, यहाँ से अधिकारी आगे पहुँचा देते हैं, वो बस टोकरियों में ऊपर कवर ही ऐसा चढ़ जाता तो कवर खोलने का नाम नहीं लेता। धन्यवाद जी, हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।